हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दर्शन और आप देख रहे हैं सीक्रेट टैलेंट बॉक्स। तो गाइस, आज ये मेरा सेकंड ब्लॉग है और पिछले वाले ब्लॉग में आपने जो मुझे रिस्पांस दिया ना भाई, एक ही दिन में मेरे 400 व्यूज गए। तो बेसिकली ये ब्लॉग होने वाला है गणेश चतुर्थी ब्लॉग, और आप ये पूरा ब्लॉग देखिए बिना स्किप किए हुए। ये ब्लॉग बहुत क्रिएटिव इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी सही में बताओ तो रात के बज रहे हैं 2:11 AM और अभी मैं शूट कर रहा हूँ। बताओ तो अभी मैं इधर स्केचिंग करने बैठने वाला हूँ। अभी रात भर स्केचिंग करूंगा, परेशान मत होना, स्किप मत करना, क्योंकि ये टाइम लैप्स वीडियो छोटा ही होने वाला है। आपको सब कुछ बताऊंगा मैं, मतलब आर्ट, एक आर्टिस्ट की लाइफ कैसी होती है, बस सब कुछ बताऊंगा। तो गणपति को आने के लिए है 2 दिन और मैं अभी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ बताना है आप लोगों को। हाँ, मैं गणपति का स्केच बना रहा हूँ, तो चलो नाइट शिफ्ट का आरंभ करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, फिलहाल अभी गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रही है, गुड आफ्टरनून हो रही है। दोपहर के 12 बजे और अभी मैं फ्रेश होके आया, इतने देर तक मैं सो ही रहा था। तो स्केच का अपर पार्ट कंप्लीट हो गया था, तो अभी पूरा स्केच आज के आज ही मुझे कंप्लीट करना है क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है। तो चलिए अभी स्केच कंप्लीट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, तो रात भर मैंने पूरा स्केच कंप्लीट कर लिया और आज है गणेश चतुर्थी, तो इस दिन मैंने ये पूरा स्केच कंप्लीट कर दिया। टोटल मुझे टाइम लगा है 26 आवर्स। सो भाई, ये मेरा सबसे पहला हाइपर रियलिस्टिक वर्क था। अब सिर्फ चाहिए तो आप लोगों का सपोर्ट। तो गाइस, अभी डेकोरेशन की शुरुआत हो चुकी है, अभी मतलब आधा एक घंटा तो लगेगा डेकोरेशन के लिए। मैं अभी फुल रेडी हो चुका हूँ, अभी जाते हैं गणपति लाने, बिना चप्पल के जा रहे हैं। तो हम लोग गणपति लाने जा रहे हैं और मेरे साथ है अभी मेरा दोस्त और मेरा भाई और मेरे पापा। बारिश भी शुरू हो गई। एक्चुअली इस बार हम लोग ने ज्यादा डेकोरेशन नहीं किया है क्योंकि मूर्ति भी बड़ी है थोड़ी सी हर बार से। तो भाई साहब, अगले 10 दिन के लिए बहुत मजा आने वाला है,
तो ये ब्लॉग बहुत छोटा होने वाला है, आपको ज़्यादा कुछ दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ हम लोग डेकोरेशन और वो सब गणपति कैसे बिठाते वो सब दिखाऊंगा। और ये देखो बारिश शुरू हो गई, लिटरली बहुत लेट हो चुके हम लोग, अभी क्या करें क्या पता है, रिक्शा भी नहीं मिल रही। फाइनली रिक्शा मिल गई। तू जूसी पीते रहे हा? कौन पीता है रिक्शा में स्टिंग? पांच कूड़े आए का बगा पारू। बोल क्या बोलना था तुझे? एनर्जी आ गया मेरे में। हम लोग तो पहुंच गए अभी। ये रखना तो भूल ही गए। गणपति बाप्पा। देखो ना गाइस बारिश शुरू हो जाएगी इसलिए रिक्शा ले लिया हम लोग ने, नहीं तो हमारा प्लान था जब चिल्ला चिल्ला के जाते रास्ते से गणपति बाप्पा मोरिया, सब प्लान ये बारिश की वजह से चौपट हो जाता है हर बात। पर बाय द वे गणपति काफी मस्त दिख रहे हैं, आपको घर पे जाके सब कुछ सिनेमैटिक दिखा दूंगा मैं, मेरा स्टोरेज फुल ना हो जाए सिर्फ। ये गाना बनकर कॉपीराइट आ जाएगा। तो ऑफिशियली गणपति बाप्पा का हमारे घर में आगमन हो चुका है, मैं मिलता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद फ्रेश होने के बाद। ये देखो गाइस हम लोग ने सिंपल सादा डेकोरेशन किया है, हर बार हम लोग तगड़ा वाला डेकोरेशन करते पर क्या बोलते हैं ना, डेकोरेशन डजंट मैटर्स, इट्स टू लेट। बट अभी उधर स्थापना चल रही है और यहाँ पे मैं मेरा काका और मेरा भाई बैठ के स्थापना देख रहे हैं। बाय द वे ये गणेश चतुर्थी का सेटअप बहुत मस्त लग रहा है। तो हमारे टीम में एक और मेंबर आ चुका है, मेरी आत्या मौर्या। तो गाइस यहाँ पे मेरे सब दोस्त आए हैं, अभी आरती स्टार्ट होने वाली है, सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उठी सिंदूराची, कंठी धड़के माळ मुक्ता फळांची, जय देव जय देव मंद मोती ओची, सिंहाचा वाळा रूपी देव उपेशु नको गुणवंता अनंता रघुनायका मागे मोर्या अंगाल मूर्ति मोर्या जय। देवा तुझी स्वारी आली आनंदाची लाट आली, या वेड्या पिशा भगताना तुझी याद आली, लागली ओढ़ी तुझा भेटीची, दही दिशा दुर्ताई आगमनाची, डोक्यावर पाट हा लड़के बापाचा, घेऊन या निघालो सुख आमच्या घराला। देवाचा देव माझे घरी आईला हो, देवाचा देव माझे घरी आईला हो, देवाचा देव माझे घरी आईला हो। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे और आज मेरा पूरा मित्र परिवार आ रहा है, ये मतलब मैं 1.5 साल पहले मिला था और डायरेक्ट अब भी मिल रहे। तो ये है मेरा दोस्त। यो यो ब्रो, इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, ये है हर्ष और ये है, अरे कहाँ पे गया, अरे ये केविन। क्या दिन थे वो, मेरे दोस्तों से मार खा के लेता था, तभी मुझे लगता था कि इन इन दोस्तों से कभी छुटकारा मिलेगा मुझे, और अभी 1.5 साल बाद लग रहा है कि कभी मिलेंगे हम लोग, और आज फाइनली मिल गए। अभी मेरे और दोस्तों को भी मिलने जाना है, उनको लेने जा रहा हूँ मैं। ओ भाई कितने दिनों बाद मिल रहे, हाय उत्सव, बहुत दिनों बाद मिला तू मेरे को।
और ये मेरा दोस्त तनिष, इससे भी मैं पूरे 1.5 साल बाद मिल रहा हूँ। अरे ये मेरा पार्ट टाइम जॉब नहीं, मत यार। तो गाइस ये मेरा जॉब बन रही है। अरे आ जा भाई। तो गाइस अभी ना क्या हुआ, अरे भाई ये चिल्ला रहे। तो गाइस अभी ना क्या हुआ था कि हम लोग ना व्लॉग शूट कर रहे थे और ना दर्शन मोबाइल ही भूल गया। तो ये है नेक्स्ट डे और गणपति हम लोग पूरे 10 दिन बिठाने वाले। इसे तो गाइस ब्लॉग नहीं कह सकते, मैंने आपको कुछ नहीं दिखाया ज्यादा, सिर्फ गणपति हम लोग ने लाया, मैंने स्केच बनाया और बताया कि कब तक मैं स्केच बनाता हूँ, कब से स्टार्ट किया और कभी तक स्केच बनाता हूँ। तो ये सब मैंने सिर्फ दिखाया आपको ये, और मुझे इस टाइम के ब्लॉग में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि ब्लॉग बनाते बनाते 3 बार मेरा स्टोरेज फुल हो गया। तो गाइस अगर ये ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया, ब्लॉग तो नहीं कह सकते, ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग आर्ट वीडियोस और ब्लॉग्स लाते रहूँगा। तो यही कुछ था, तो ये ब्लॉगिंग करने वाला दर्शन आप लोगों से मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। पीस एंड लव, गुड बाय।